तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेरठ पानीपत रेलवे लाइन पर और हम आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं पानीपत मेरठ रेलवे लाइन पर। इससे पहले आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े क्योंकि उसमें श्री घसीराम जी द्वारा एक पत्र आपको सेंड किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कब से मेरठ पानीपत रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ हुआ है। दोस्तों जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 पास आ रहे हैं, उसी तेजी को करते हुए मेरठ पानीपत रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट भी बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है क्योंकि इसका DPR पास कर दिया है और रेलवे ने अब इसका बजट भी आवंटित कर दिया है और बताया जा रहा है फरवरी माह के अंत तक भूमि अधिग्रहण भी हो जाएगा। जैसे जैसे भूमि अधिग्रहण होगा तो वैसे वही धरातल पर कार्य भी तेजी से होगा क्योंकि इलेक्शन के मद्देनजर रहते हुए यह कार्य बहुत तेजी से होना है क्योंकि बहुत ही दबाव बनाया जा रहा है घसीराम जी द्वारा। बहुत ज्यादा दबाव बनाए जाने के बाद सांसद ने इस पर बहुत तेजी से कार्य करने का फैसला लिया है और यह नाक का सवाल बन गया। अब इस पर कार्य तेजी से किया जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों इलेक्शन को देखते हुए केंद्र सरकार इस पर तेजी से कार्य कर रही है क्योंकि रेलवे ने DPR भी फाइनल कर अप्रूव कर दिया और बजट भी आवंटित कर दिया है और फरवरी और जनवरी में बताया जा रहा है आपका बजट से भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इस पर धरातल में 2024 से पहले कार्य आपको दिख जाएगा। अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।